हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ वंदना. कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी इंडिगो साड़ी हॉल, उस वीडियो को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए. उस वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी नेहा टॉक्स ऑनलाइन स्टोर के बारे में, एंड उनको अबव 35 ऑर्डर मिले हैं विद इन अ 3 डेज. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस लव एंड सपोर्ट. आप लोगों को इतना पसंद आया, थैंक यू सो मच. इस टुडे मैं आपको दिखाऊंगी फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी. ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था. सो 3 साड़ीज़ मैं आज आपको शो करूंगी. तो अब वीडियो एंड तक देख लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू 3 साड़ीज़. जो 3 फ्लोरल प्रिंटेड्स की साड़ी है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में है. अलग अलग इनका रेट है. कुछ साड़ीज़ मैंने ली है नेहा टॉक्स से एंड कुछ ली है अमेजोन से. नेहा टॉक्स क्या है एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इनका डाला था इंडिगो साड़ी हॉल, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया है एंड ऑर्डर भी मिल चुकी है काफ़ी लोगों को एंड काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं. सो गाइज, नेहा टॉक एक ऑनलाइन स्टोर है. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में इनका पेज है. हर तरह का सामान यहाँ पर मिल जाता है आपको. सो आप वहाँ से जाके कुछ भी ले सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इनकी है क्योंकि ये फ्री शिपिंग देते हैं, रिटर्न्स भी देते हैं एंड आपको ट्रस्टेड जो ब्रांड्स होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो मैंने भी वहाँ से शॉपिंग करी थी. लास्ट टाइम मैंने इंडिगो साड़ी मंगाई थी. बहुत आप लोगों ने मतलब इतनी सारी साड़ीज़ ले ली हैं, 35 साड़ीज़ ली हैं सेम प्रिंट की. माई गॉड, मतलब इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए. अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है वो वाली वीडियोस डाले हुए. सो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा. सो आज भी मैं आपको दिखाती हूँ साड़ीज़. अब जो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ, जो मेरे को पसंद आई थी वो मैंने ली है. आपको जो भी पसंद आती है वो ले लेना. बहुत सारी डिफरेंट वेराइटी हैं एंड डिफरेंट उनके प्राइसेस हैं. ठीक है, सो जो मैं दिखा रही हूँ आपको, फर्स्ट जो साड़ी मैं दिखाऊंगी वो है 500 की. एंड उसका फैब्रिक भी अलग है क्योंकि जो फ्लोरल प्रिंटेड की साड़ी होती हैं वो अलग अलग फैब्रिक्स में आती हैं. कुछ लिनन कॉटन में आती हैं, कुछ शिफॉन में आती हैं, कुछ जॉर्जेट में आती हैं एंड कुछ सिल्क में आती हैं. तो जो सिल्क होता है वो सिल्क वाला कपड़ा मुझे नहीं पसंद आता है उसमें, तो मैं सिल्क थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ. मुझे बेस्ट लगता है लिनन कॉटन, जॉर्जेट एंड शिफॉन. तो वही मैं आज आपको शो करने वाली हूँ. ठीक है, ट्रस्टेड रिव्यूज़ दूंगी, वीडियो एंड तक देख लीजिए. मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है नेहा टॉक्स की तरफ से एंड इसका प्राइस है 500. फैब्रिक है इसका लिनन कॉटन. ठीक है, सो ये है पेस्टल पिंक कलर की फ्लावर प्रिंट साड़ीज़. जो फ्लावर प्रिंट साड़ीज़ होती है वैसे हम इनको पार्टी वेयर्स नहीं इंक्लूड करते हैं, बट अगर उसमें थोड़े बहुत कुछ काम है या उसमें मिरर लगे हैं तो वो पार्टी वेयर ही कहलाती है. दिस वन इज़ फॉर डेली वेयर. लाइक आप अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आप इसको वेयर कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग कलर. आजकल पेस्टल पिंक कलर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. इवन सारे पेस्टल कलर चल रहे हैं, मजेंटा पिंक, डार्क पिंक, रॉयल ब्लू, डार्क ब्लूज आजकल नहीं हुए फैब्रिक में चल रहा है. एंड सिल्क की साड़ी हम लोग डेली में नहीं पहन सकते हैं जो स्कूल गोइंग हम लोग होते हैं. सो हम लोगों के लिए ये वाली साड़ीज़ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, जो इजी टू कैरी होती हैं एंड काफ़ी ब्रीथेबल भी होनी चाहिए ताकि आपको गर्मी ना लगे. ठीक है, सो ये वाली साड़ी मैं आपको शो कर लेती हूँ. सो गाइज, ये साड़ी काफ़ी ब्रीथेबल भी है एंड इसका फैब्रिक है लिनन कॉटन. लिया है मैंने ये नेहा टॉक्स से. तो चलिए बात करते हैं साड़ी की. साड़ी में फ्लावर बने हुए हैं, पिंक एंड ऑरेंज एंड येलो कलर के फ्लावर हैं एंड बेस कलर है मॉवे पिंक कलर. काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर है आजकल, पेस्टल पिंक कलर ही चलते हैं. डार्क कलर आजकल नहीं कोई पहनता है एंड इवन अगर समर का टाइम है, सिर्फ डार्क कलर तो सिर्फ सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बट इस समय पर हमें अगर डेली पर्पज़ से साड़ी चाहिए तो फ्लोरल प्रिंट विथ लिनन कॉटन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक है, सो ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है. जो आप इसको देख लीजिए, जो इसका साइज़ है वो लंबे से लंबी जो लड़कियाँ होती हैं वो भी डाल सकती हैं. 5.5 लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है एंड बॉर्डर में हमें मिल जाता है इसका साटन. ठीक है, सो बात करते हैं इसके ब्लाउज़ की. तो इनर साइड से हमें इसको 80-90 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ प्रोवाइड हुआ है एंड रनिंग ब्लाउज़ है. मींस जैसे साड़ी का कलर है ब्लाउज़ भी वैसी है, रनिंग ब्लाउज़ है. एंड होल साड़ी, इस साड़ी में पल्ला नहीं है. जिस तरह से पूरी ये एक ऑल ओवर साड़ी है, पल्ला नहीं होता इन साड़ीज़ में. बिकॉज जो फ्लोरल प्रिंट की साड़ी होती है उसमें पल्ले की ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है. साड़ी पहनने में ही इतनी प्यारी लगती है. एज़ यू कैन सी इन द फोटो, साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. एंड द कॉटन, जो इसका कॉटन फैब्रिक है बेहद प्रिटी है. आप देख सकते हैं लिनन फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड जो इसका सिल्क लगा हुआ है साइड में, ये भी बिल्कुल
क्यूट है ना. तो इज़न्ट इट साड़ी, इट्स लुकिंग क्यूट. आपके डेली पर्पज़ से आपको ऑफिस जाना है, आपको स्कूल जाना है, छोटे मोटे फंक्शन में आप ये साड़ीज़ डाल सकते हैं. एंड ये साड़ी आपको पड़ेगी सिर्फ 500 में. नेहा टॉक्स के यहाँ से मैंने ली थी. मुझे ये कलर एंड ये फैब्रिक इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. उनके पास इसी तरीके के बहुत ज़्यादा फैब्रिक कलर्स हैं, फैब्रिक चेंज हैं एंड बहुत सारे डिज़ाइंस भी अवेलेबल है विद डिफरेंट कलर्स. तो आप कोई भी कलर्स वहाँ से पिक कर सकते हैं. बट उसमें फिर आपको थोड़ा प्राइस का ऊपर नीचे हो जाएगा. बट अगर आपको यही साड़ी लेनी है तो ये आपको पड़ेगी 500 की. एंड इस साड़ी के लिए मेरे को 5 स्टार दिए हैं मैंने उन लोगों को. सो अगर आपको इसी टाइप की साड़ी लेनी है तो आप ले सकते हैं. दिस साड़ी इज़ रियली रियली प्रिटी. पहन करके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. फ़ोटोज़ में मैंने आपको दिखा दी है कैसे लगेगी. एंड आप इसके साथ जो ब्लाउज़ है, आप रनिंग ना बना करके अगर आप पिंक कलर का ब्लाउज भी बनाएंगे तो साड़ी बेहद खूबसूरत लगेगी. सी एंड इट्स प्रिटी एंड द ब्यूटिफुल कलर एंड द ट्रेंडिंग वन. ओके सो ये होगी ये फर्स्ट साड़ी. होप आपको ये साड़ी पसंद आई होगी. चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड साड़ी की तरफ. सो गाइज नाउ चलते हैं अपनी सेकेंड साड़ी की तरफ. ये साड़ी ली है मैंने अमेजोन से. अमेजोन के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ मिल जाएंगी एंड वहाँ पे भी रिटर्न पॉलिसीज़ तो होती ही हैं. अगर आप अमेजोन से लेना चाहते हैं साड़ी तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं. बट प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा है. जो ये साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ इसका प्राइस है 499 एंड फैब्रिक है इसका जॉर्जेट. ये लोग ने जो बोला है कि जॉर्जेट फैब्रिक है, बट जब वो मुझे रिसीव हुई तो मुझे वो शिफॉन का थोड़ा सा लग रही है. एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, सिंपल एंड एलिगेंट है. साड़ी बेहद प्रिटी है. फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड कलर है ब्लैक. ठीक है. सो ये साड़ी गाइस आप ना थोड़े छोटे मोटे फंक्शन होते हैं ना उसमें भी डाल सकते हैं. बिकॉज इसका लेस जो इसके साइड में लगी है वो बेहद खूबसूरत है. तो पहले मैं आपको साड़ी के बारे में बता देती हूँ. साड़ी ना थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत करी क्योंकि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, हाथ से फिसल जा रही है. सो गाइस सेकेंड साड़ी है ब्लैक कलर की साड़ी है. फ्लावर बने हैं इसमें, पिंक रेड फ्लावर्स हैं एंड साइड में लगी है लेस ब्लैक कलर की. एंड जो इसमें थोड़े से ये मिरर जैसे आप देख रहे होंगे, ये मिरर नहीं है, ये प्लास्टिक के ही लगे हैं. बट बेहद खूबसूरत लग रही है पहनने के बाद. एंड जो फैब्रिक है इसका बहुत ही प्यारा फैब्रिक है. इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि फोल्ड में भी नहीं आ रही है. जॉर्जेट ये लोग कह रहे थे कि जॉर्जेट है, बट जॉर्जेट थोड़ा सा टफ सा होता है ना, थोड़ा सा हार्ड सा लगता है. बट ये वैसा नहीं है. तो ये मुझे थोड़ा शिफॉन सा लग रहा है, जैसे शिफॉन होता है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही प्रिटी फैब्रिक इसका मुझे बेहद पसंद आया है. ऊपर से ब्लैक कलर की साड़ी किसको पसंद नहीं आती है, सभी को पसंद आती है. एंड छोटे मोटे फंक्शन में आप इसको डाल सकते हैं. वैसे ये डेली एंड टीचिंग पर्पज़ से बेस्ट है. सो दिस वन इज़ ₹499. अभी जब मैंने इसको ली थी लॉकडाउन से पहले, बट पहनने का टाइम नहीं लगा बिकॉज सारे सब बंद हो गया था, टेलर वेलर सब. तो मैंने अभी ये बनाई नहीं है. बट मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी फ्लोरल साड़ी की, फ्लोरल साड़ी दिखा दो. तो मैं ये शो कर रही हूँ अभी. कुछ अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, वो मैंने भी मंगाई है, तो मैं बाद में दिखाऊँगी आपको. ठीक है. सो इस साड़ी की बात कर लेते हैं. सो ये ब्लैक कलर की साड़ी है. लेंथ इसकी बिल्कुल परफेक्ट है. 5x5 लेंथ है इसकी. लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है. सो साड़ी में सबसे पहले हम ढूंढते हैं ब्लाउज़ कैसा है. तो इसका ब्लाउज़ ब्लैक कलर का रनिंग ब्लाउज़ है. इसके साथ ही मिलता है. सी ये इसका ब्लाउज़ है. ब्लाउज़ के साइड में आपको मिल जाती है लेसेस. इस लेस में जो ये लगे हैं, ये मिरर नहीं है, अभी बता रही हूँ, ये मिरर नहीं है. मिरर के जैसे जो प्लास्टिक होते हैं ना शाइनिंग, वो है. सो ये इसका हो गया ब्लाउज़. बिल्कुल अच्छा है. 80-90 cm का है. चाहे आप किसी तरीके से भी इसको सिला सकते हैं. एंड साड़ी ये है गाइस. सी कितनी प्रिटी साड़ी है. ब्रीथेबल भी है. बहुत ही खूबसूरत साड़ी ये मुझे लगी है. एंड इट्स लुकिंग लाइक वेरी प्रिटी. फैब्रिक इसका देखिएगा, इस कितना बढ़िया इसका फैब्रिक है. एंड द लेस, लेसेस से ही थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा पहन करके जब आप देखेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा. बिकॉज इसकी लेसेस काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं. देखो थोड़ा सा लग रहा है ना, हल्की फुल्की जो शादी है या आपका दिन का फंक्शन होता है, पूजा है आपके घर पे, तो आप इसको डाल सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको पहन के ना बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं बिकॉज साड़ी फुलने वाली नहीं है ना. तो बेस्ट पार्ट, जो लड़कियाँ थोड़ी सी हैवी हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है साड़ी पहनने में एंड साड़ी कैरी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है. एक तो ये बॉडी हगिंग है, बिल्कुल फिट हो जा रही है, ब्रीथेबल है. एंड कोई भी अगर आप इसको पहन लेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि वेटलेस है बिल्कुल साड़ी. तो अगर आप साड़ीज ज़्यादा पहनते नहीं हैं बट आप साड़ी पहनना चाहते हैं तो दिस टाइप्स ऑफ साड़ी इज़ परफेक्ट फॉर यू. अगर आप इसको ऑफिस में भी ले जाते हैं, ऑफिस ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मल आप अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं तो भी साड़ीज़ पहनने में प्रॉब्लम होती है. एज अ टीचर आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इस टाइप की साड़ीज़ पहनने के लिए
आप जब पहन लेते हैं ना तो लगता ही नहीं फिर आपने साड़ी पहनी है, एंड साड़ी का लुक भी मिल जाता है साड़ी उसको पहनने के बाद, एंड आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। सो आपके लिए ये साड़ी डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड जो गर्ल्स हैं, अगर आपकी फेयरवेल पार्टी है तो आप फेयरवेल पार्टी में भी इस टाइप की साड़ीज़ पहन सकते हैं, बिकॉज उन लड़कियों को भी काफ़ी सिंपल साड़ी चाहिए होती है, तो प्लेन पहनने की जगह आप इस टाइप की साड़ी क्यों ना ट्राई कर लें। सो ये साड़ी काफ़ी अच्छी है, अमेज़ॉन के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। एंड देख लो, पूरी साड़ी है, काफ़ी अच्छी है, होल लेंथ इसकी है, एंड साइड 5 to 6 meters की भी है। एंड इसमें भी गाइस पल्ला नहीं है, क्योंकि इन साड़ीज़ में पल्ला नहीं होता, बट जो एंड में साड़ी का एंड है उसमें ये आपको दिख जाएगा। सो दिस वन साड़ी इज़ ऑल्सो परफेक्ट फॉर द पार्टीज़, एंड छोटी मोटी पार्टीज़ में इसको पहन सकते हैं। सो गाइज, आप इस साड़ी को छोटी मोटी पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं, एंड आप इसमें ऑफिस में भी डाल सकते हैं, एंड आप स्कूल में भी आप इसको पहन सकते हैं। सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर द एवरीवन जो कि पतली साड़ी पसंद करते हैं, ज़्यादा मोटा फैब्रिक नहीं पहनते, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है, एंड इसका फैब्रिक बेहद प्रिटी है। सो आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। नाउ गाइस, मैं आपको शो करती हूँ अपनी थर्ड साड़ी, एंड आज तीन ही साड़ीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो तीसरी साड़ी मैंने ली है अमेज़ॉन से, ये भी लिनन कॉटन है, एंड ये बेहद प्रिटी है साड़ी। इसकी क्वालिटी थोड़ा सा हाई क्वालिटी है, बिकॉज एज अ प्राइस इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एंड ये साड़ीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इसका प्राइस है 1000 समथिंग है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से थोड़ी सी महंगी साड़ी है, बट इट्स रियली रियली। सो गाइज, इस साड़ी का प्राइस है 1000 समथिंग, एंड जब मैंने ली थी तो ये थोड़ी सी डील में चल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छी रेंज में मिल गई थी, एंड इट साड़ी की बात ही अलग है। फैब्रिक लिनन कॉटन है, बट जब आप इसको पहन लेते हैं तो आपको लगता है कि जब मतलब ऑर्गेंजा जैसी फीलिंग आपको आती है, जैसे ऑर्गेंजा का फैब्रिक होता है ना, तो जब मैंने इसको पहनी थी मोस्ट ऑफ द लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि ये फैब्रिक कौन सा है, ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है जैसे, बट ये ऑर्गेंजा नहीं है, ये लिनन कॉटन है, एंड इट्स रियली प्रिटी। सी साड़ी आपको वैसी ही है जैसे पहले वाली मैंने दिखाई थी ना, ये पीच कलर में है, फोटोज़ में थोड़ा सा अलग दिख रही है, एंड इसकी लेंथ भी कंप्लीट है, लेंथ देखो कितनी लंबी है, एंड इसके बॉर्डर में भी हमें मिल जाता है ये साटन, एंड इसमें भी फ्लावर हैं, बट इसके फ्लावर थोड़ा सा चेंज है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसके फ्लावर में यहाँ पर डार्क पिंक फ्लावर हैं, एंड लाइट पिंक डार्क पिंक दोनों फ्लावर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसका ब्लाउज़ तो मैंने सिलवा रखा है, ब्लाउज़ तो मैंने सिलवा दिया था, बिकॉज ये साड़ी मैंने पहले की ले रखी थी, इसका ब्लाउज़ पीस ये था, साड़ी के ही जैसे आया था, रनिंग ब्लाउज़ है, जिस टाइप की साड़ी है उस टाइप का ब्लाउज़ आया था, बट इसके साथ ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कोई इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज़ नहीं बनाया, मैंने इसी को बना लिया था, एंड पैन फोटोज़ में आप देख सकते हैं पैन के काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इस साड़ी की, सो साड़ी बेहद खूबसूरत है, एंड लिनन कॉटन है, कॉटन बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, सी फैब्रिक बेहद प्रिटी है। लिनन के जो फैब्रिक होते हैं ना वो सभी ब्रीथेबल होते हैं, एंड आप दिन के जब शादी में जाते हैं, दिन का फंक्शन में जाते हैं, सो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है साड़ीज़, आप देख सकते हैं ब्रीथेबल है, एंड इट्स कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपको पल्ला नहीं मिलेगा, किसी भी लिनन साड़ी में शायद आपको पल्ला ना मिले, बिकॉज साड़ी रनिंग साड़ीज़ होती हैं, एंड बॉर्डर आपको मिल जाएगा साटन का, बहुत सारे कलर्स इन पे अवेलेबल होते हैं, पर जो बेस कलर हैं वो हमेशा लाइट ही आप लोगों को लेना, बिकॉज इन यही ट्रेंडिंग साड़ीज़ हैं, एंड आपने देखी होगी जो ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है उसमें तो बेस कलर वाइट ही होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर के उसमें फ्लावर्स होते हैं, बट मुझे एक साड़ी ये वाली जो कलर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, पीच कलर है, एंड फेस में जाके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसे मैंने एक वेडिंग में भी डाला था विद डायमंड ज्वेलरीज, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था गाइस, अपनी एनिवर्सरी में मैंने इसको पहना था, एंड लग ही ना था कि कुछ मतलब मैंने लिनन कॉटन पहना है। कॉटन की साड़ीज़ भी आप एज अ पार्टी वेयर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी की ले लें, एंड दिस साड़ी इज़ क्वाइट हाई क्वालिटी की साड़ी है फैब्रिक की वजह से, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं ना तो जो उनको हाई क्वालिटी का बना देते हैं। सो ये साड़ी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड इस साड़ी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आई थी, एक बार मैंने इसको डाल चुकी थी ऑलरेडी, बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये साड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दिस वन इज़ रियली गुड, अगर आपको देनी है तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि आजकल फ्लोरल साड़ी का फैशन बहुत। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना आपने लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया इसी को भी इतना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।